शैलजा ने कहा है कि हुड्डा बहुत साल पहले उनसे बातचीत हुई, तब से हुड्डा ने कभी बात नहीं। जो हमारी बहन कुमारी शैलजा है उनके अंदर की पीड़ा तो आप समझ सकते हैं। कुमारी शैलजा तो बाहर नहीं निकल रही है, बेइज्जती इतनी कर रखी है कांग्रेस पार्टी ने कि कुमारी शैलजा अंदर ही बैठी है, अभी कोई प्रचार नहीं कर रही है किसी का, अपने अंदर ही बैठी है वो। भाई उन्होंने अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो उनके बेटे जी है, उन्होंने अपने सीएम की दावेदारी ठोक रखी और उनको खुद ही का नहीं पता कि हम जा कहां रहे हैं। हिमाचल में तनख्वाह तो दे दो, हिमाचल में तनख्वाह तो मिलती नहीं, नौकरी घंटा मिलेगी। 1,65,440 नौकरी दी है बिना पर्ची खर्ची के। मैं एक दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने आप में गर्व महसूस कर सकता हूँ जो कि बीजेपी सरकार ने हमारा मतलब दर्जा एक समान कर रखा सबसे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय मौजूद है हरियाणा में सपोदा में, यहाँ पर रैली होने वाली है थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसलिए सभी पार्टियां यहाँ पर धमाकेदार प्रचार कर रही हैं, आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा का कल इंटरव्यू आया एक बड़े चैनल पर, उसमें उन्होंने कहा कि हुड्डा से उनकी कई सालों पहले बात हुई थी, अभी तक उनसे बात नहीं हुई, और अभी हाल ही में आज नवरात्रे का पहला दिन है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुमारी शैलजा का अपमान किया, तो यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? गोवर्धन जी। क्या लग रहा है जिस तरीके से कुमारी बहन शैलजा का अपमान हुआ है कांग्रेस में और राहुल गांधी जबरदस्ती हाथ मिलवा रहे हैं हुड्डा से? राहुल गांधी तो देखो पप्पू है जी, उसका तो काम में यही है जी, अब बोल रहे हैं कुछ, कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, तो राहुल गांधी का तो कोई दिखते नहीं है इधर जी, राहुल का तो कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ, यहाँ तो सिर्फ मोदी मोदी चाहिए हमें, मोदी और नायब सियाणी मंत्री मारा। कुमारी बहन शैलजा ने खुलासा किया कि हुड्डा ने कई साल पहले उनसे बातचीत की, तब से बात ही नहीं की है। कुमारी शैलजा तो बाहर नहीं निकल रही है, बेइज्जती इतनी कर रखी है कांग्रेस पार्टी ने कि कुमारी शैलजा अंदर ही बैठी है, अभी कोई प्रचार नहीं कर रही है किसी का, अपने अंदर ही बैठी है वो। जब से उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की सीएम बन सकती हूँ तो हुड्डा जी ने इस तरीके से उनका अपमान क्यों किया? नहीं, जैसे दलितों पर बात आई थी है तो भाई मुख्यमंत्री का दावा बोल दिया तो उसका नाम ही निकाल दिया वहाँ से, और अबद शब्द बोलने लगे उसके बारे में, तो इसी करके मैं यही कहूँगा बीजेपी की वोट गेरो और बीजेपी को बनाओ। आज यहाँ योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं, कितना उत्साह है यहाँ लोगों का? पूरा उत्साह है जी जमा, योगी तो पूरा योगी है, बुलडोजर बाबा है, यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। हाँ जी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो क्या माहौल होगा? पूरा माहौल होगा कमल के फूल का जी, हर हर मोदी, हर घर घर मोदी। इतनी जागे तो कभी जागते भी नहीं है, अभी दलित नहीं जागे है ना, तो कभी जागे नहीं गए, पीछे रहेंगे। हुड्डा के शासन में क्या होता था उनके साथ? हुड्डा तो पूरा चोर था जी, चोर भ्रष्टाचार था जमा कांग्रेस में जी, हुड्डा तो अब खुड्डे में लगा देंगे एक तरफा जमा, हुड्डा का कोई चांस नहीं, हुड्डा का कोई चक्कर नहीं है जी, पैसा दो और नौकरी लगाओ। यहाँ भी पैसे बहुत बन रहे हैं, यहाँ कांग्रेस वाले भी बांट रहे हैं, देशवाल भी बांट रहा है, बचन सिंघारिया भी बांट रहा है, और ये एक ऐसी पार्टी है बिना पैसे बिना खर्चा के चुनाव लड़ रही है। क्या अपील करेंगे युवा से? यही अपील करेंगे जी कि कमल के फूल को बटन दबाएं और दादा गौतम को कामयाब बनाए। हुड्डा जी जेल में चला जाएगा, जेल में भेज रहे हो? अरे जो भ्रष्ट आदमी वो तो जेल में जाएगा, इस सरकार का यही तो बढ़िया है, भ्रष्ट वो तो पगड़ी पहनने लगे अभी से। माल की बात करो, कह दिया वो जो भ्रष्ट है कोई भी हो जेल में जाएगा इस सरकार में। और देखो 2014 के बाद में सरकार बीजेपी आई है, कहीं भी दंगा सुना? कितना शांतिपूर्वक इलेक्शन होते हैं, पहले बड़े दंगे होते थे, और किसी भी हर समाज को एक चार लेकर चलती। हुड्डा जी में क्या होता था? हुड्डा जी कमाल धक्का पाई यार, भी देखा तानाशाह, अरे टिकट भी कौन दी यार जो मांग रहे थे, तानाशाह अपना दिखाया है नहीं दिखा तो बताओ। हुड्डा ने टिकट भी नहीं दी किसी को, जो अपनी मर्जी से बाप बेटा। कुमारी शैलजा जो दलित नेता, उन्होंने बोला मैं सीएम बनूंगी तो उनके टिकट काट दिए उन लोगों, और के कहा भी तानाशाह अपना दिखाया, अगर जमा माटी कूट दी अकेला। हाँ। यार ये पब्लिक भी तो देखती है, ये पब्लिक भी तो देखती है सबके लिए कौन सी सरकार बढ़िया है, बीजेपी सरकार ऊपर नीचे इस पर की सरकार नहीं अब तक बढ़िया। देखो यार बच्चे, अरे बिना पैसे बच्चे लग रहे, बिना खर्ची पर्ची हमने नहीं देखे हुई सकते, भ्रष्टाचारी है भ्रष्टाचारी सारा। अरे भाई साहब, और हंगारा गरीब आदमी ने ऊपर यह सरकार लेने ली है, और सारे चोर बैठे भाई, हंगारा उक्के मारे गवा भाई, और सारे चोर हैं, यह सरकार हमने ऊपर ले जाए बीजेपी सरकार।
लाला जी ने क्या किया? अरे उड्डा ने पूछा ना के नहीं कराया मेरे यार। अरे मामने लाला जी मन लग गया है वो उड्डा ने नहीं जीती करा था जब कौन था ई मन लग गया बीजेपी सरकार में और कक्ष काम कर लालू धड़का मेरा भाई चौसठ छोड़े बिना खर्ची और बिना भर्ती है इसमें लग रहे भाई साहब। सिस्टम चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। उड्डा बोला हम आएंगे नहीं आएंगे नहीं आने देंगे नहीं आने देंगे ठोके भाई साहब। 7 तारीख को बटन लगा मोदी घर घर मोदी भाई साहब। उड्डा साहब नहीं अपनी टिकट निकाल दियो कलोई जलके से उसको मान जाएंगे हम ठीक है। हाँ उसकी टिकट पे नहीं वो अपनी टिकट नहीं निकाल सकता क्योंकि वहाँ सरकारी खड़ा है उसी टक्कर में। अगर उड्डा अपनी टिकट निकाल गया नहीं तो हमें 40 सीट नहीं आएंगी उड्डा की पूरी अपनी सिद्धम से दादा गौतम बढ़ेंगे और बीजेपी की 55 प्लस 60 सीट आएंगी। दावा है पूरा दावा है मेरा। बाबा बुलडोजर आ रहे हैं बाबा बुलडोजर आ गए जब भी तो बोल रहा हूँ मैं पूरा दावा है मेरा 55 सीट की गारंटी है बीजेपी की एक तरफी ना किसी की सपोर्ट ना किसी की हो पूरी पानी बोल रहा 2 लाख नौकरी देंगे राहुल गांधी भाई साहब। राहुल गांधी ने अमरीका की नौकरी तने नहीं पाई नौकरी यू लट्ठा आंड है तने नहीं तेरे तने नहीं मिली क्या नौकरी खटाखट कट गए वे 8000 रुपए हिमाचल में तनख्वाह तो दे दो हिमाचल में तनख्वाह तो मिलती नहीं नौकरी घंटा मिलेगी 1,65,440 नौकरी दी है बिना पर्ची खर्ची के वह छोरे कि जाओगे घर बेच कर नौकरी ले होंगे के इनके एमएलए तो नूगे हैं अग वह खर्ची भी चलेगी पर्ची भी चलेगी अपना घर भी भरागे गरीब आदमी के करेगा वह बालक के करेंगे जिन्हें 10 साल हो गए कोचिंग करने लाग रहे हैं बेचारे लाइब्रेरी में बैठ कर रात ने 2-2 बजे तक पढ़े हैं वह कांग्रेस का जो खूनी पंजा है उसने दे सके हैं कुछ नहीं है जो यह काठ की आंडी है जो इन्हें लोकसभा में चढ़ाई थी वही बाट के नहीं चढ़ दी है किसान का नाम का यूज कराया कांग्रेस ने हरीफ देख ले के हाल कर रखा है। बहन शैलजा बोल रही थी मैं मुख्यमंत्री बनूंगी तो उनके लोगों के टिकट ही कटवा दिया उड्डा जी इलेक्शन के बाद भाजपा में आ जाएगी वो भी अपने बाढ़ है उसने बहन शैलजा का जब हाथ पकड़ कर हंग तो न्यू प्राण कराया था नुबले त्रती बहन कह दिया बुला रहे या मजबूरी से करा के कुआ दे है बहन शैलजा का भारतीय जनता पार्टी में पूरा मान सम्मान करांगे चिंता ना करे। चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार के अंदर बहन शैलजा बीजेपी ज्वाइन कर जाएगी क्यों चिंता कर रहा है इसने छोटे कुड़े उड़ा ने कांग्रेस में सारे तो काट दिए बाबूर बेटा रह जाएंगे 2 वैसे लोगों को क्या अपील करेंगे लास्ट दिन है चुनाव का एक ही लास्ट अपील है 5 तारीख ने जमा तड़के नहा दो ने वोटा ने टकाटक 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 ढोल भर दियो राहुल गांधी के वे खड्डा खट जो 8,000 रुपया वे आगे कौन ये चुनाव का आखिरी दिन का माहौल देख लो रैली में चुनाव का आखिरी दिन का माहौल इस रैली में पता लग रहा है आपने एक तरफा माहौल बना रखा है बीजेपी ने एक तरफा आवेगी खींच रखा है जमा गच्चे अनाज मंडी आज तक सपीतों की इतनी भरी नहीं थी और जय मोदी जय राहुल गांधी दो नाम क्या है प्रतीक शर्मा क्या कहेंगे क्यों किसे जिताएंगे यहाँ से मृदा तो जीत रहा है अच्छा योगी बाबा कैसे लगते हैं योगी की बात सही है कटेगा तो बटेगा अच्छा और हुड्डा जी का क्या होगा कुछ भी नहीं अच्छा। नाम क्या भाई नाम भाई मोनू कुमार है मेरा मोनू कुमार जी ये बताइए कुमारी बहन शैलजा हैं कांग्रेस की इतनी बड़ी दलित नेता हैं उनका इतना अपमान हो रहा है अब शैलजा जी कह रहे हैं हुड्डा जी बात ही नहीं करते उनसे देखो बात सुनो सर हम शैलजा और हुड्डा से कोई मतलब नहीं रखते हम रखते हैं अपने बीजेपी सरकार से जो आज समाज हमारा चल रहा है ना कोई भी वर्ग हो चाहे को छोटा हो कोई बड़ा हो हमारा उस वर्ग के क्षेत्रफल से लगा लो या पूरे विश्व इंडिया की उससे लगा लो पूरे भारत में अपना जो देश बीजेपी ने बचा दिया ना अगर कांग्रेस ही सत्ता में होती तो अब लग जाती बिल्कुल जाती उस शुक्र है उस मोदी का वो हमारे बीच में अवतार बन के आए हैं भगवान के लेवल से बन के आए हैं वो जो कि इस देश को बचाने का काम उन्होंने पूरा किया है। उल्टा साहब तो कह रहे हैं मोदी ने हरियाणा बर्बाद कर दिया 10 साल में। अरे वाह बिला उल्टा चोर कुतवाली को डांटे क्या बात कह रहे हो सर 2010 के और 2005 के कांड जो दलित समाजों के साथ और 2010 में मिर्चपुर में कांड हुआ था ना आज तक उन लोगों की आंखों में पानी नहीं सूखा है तो कैसे भूल सकते हैं उस सरकार को और उस हुड्डा को
उस टाइम हुड्डा ही ने बोला था अरे पड़े रहेंगे चीचड़ लोग हैं ये अपने समाज को बचाओ, ये कोई मतलब होता है भाई साहब? इस देश के नागरिक है, सभी हिस्सा है, इसमें कोई छोटा हो बड़ा हो, जो आज इस सरकार ने कर रखा है सबको बराबर कर रखा है भाई, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कह रहे हैं ना अभी मोदी ने खा लिया है, अरे यार उनका 42 साल पता नहीं 42 साल रहेगी उनकी, 10 साल की तुलना बनाए ना भाई साहब, उनको विदेशों में थप्पड़ लगते थे, आज मोदी के पैर सलाम करते हैं। और आज छोटे बच्चे को 5 साल पहली में जाता है बच्चा, उसको पहले हम पढ़ते थे हमें बताया जाता था प्रधानमंत्री का नाम क्या है, और आज छोटे छोटे बच्चे को पूछ लो अपने देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, बोलता है मोदी मोदी। ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये पढ़ाया नहीं जा रहा भाई, ये पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये मन में बसाया जा रहा है। अच्छा, हाँ राहुल गांधी कहाँ बसा रहे हो राहुल? अरे राहुल गांधी है पैदल पैदल भाग के दुनिया का सोच रहे थे देश में इकट्ठा कर ले, ऐसे होते हैं। 47 साल पहले कहाँ गए थे? राहुल गांधी भी था, राजीव गांधी भी थे, सोनिया गांधी भी थे, सभी देश के सत्ता में थे, तो उस टाइम कहाँ रहे? अब पता लग गया उनके पैर उठने लग गए, जमीन से ऊपर हो गए, अब तो भागेंगे ना भाई, वो ये तो ढोंग सब देख लिया पब्लिक ने, अब नहीं नजर में आएंगी, अब इनको देख दिखा के देखें भाई। कुमारी सैलजा दलित नेता थी इतनी बड़ी कांग्रेस की, उनका जाति सूचक किस तरीके से शब्द बोले भाई, बिल्कुल गलत बताइए, हुड्डा साहब उनसे बात ही नहीं कर रहे भाई। उन्होंने अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो उनके बेटे जी हैं, उन्होंने अपने सीएम की दावेदारी ठोक रखी, और उनको खुद ही का नहीं पता कि हम जा कहां रहे हैं। वहां की सैलजा कुमारी ने अच्छी लीड ली थी, देखो सब जानते हैं, बढ़िया लीड ली थी, और सीएम की दावेदारी भी बन जाती अगर सरकार आती तो, असल में तो ये काम होना नहीं है, होता भी तो सीएम की दावेदार बन जाती वो, इसलिए उनको दलित अभी इंटरव्यू में बहुत चल रहा है, अभी उनकी औकात नहीं है। अरे औकात नहीं है तो तुमसे बड़ी लीड लेके बैठी है वो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये जाति पक्ष में सिर्फ हुड्डा सरकार में है, वरना जाति प्रकार कोई किसी प्रकार नहीं है। अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं बनने देंगे? बनने ही नहीं देते भाई, बताओ ना, पहले इंदिरा गांधी, वहां से आई सोनिया गांधी, और फिर भाई ये राहुल गांधी आ गए, और उनकी बहन प्रियंका को देखा ना, सभी का वीडियो वायरल हो रहा, वहाँ चुम्मी ले रहे स्टेज पे यार, उसकी दीदी है वो, उसकी दीदी है, अपने देश को क्या दिखा रहे हैं वो नेता, वो क्या दिखा रहे हैं भाई, मैं पूछना चाहता हूँ क्या दिखा रहे हैं? तो बाबा बुलडोजर जी आ रहे हैं, अरे भाई फाड़ देंगे वो, अगला प्रधानमंत्री है ना, हम वही देखना चाहते हैं। मोदी के पास पहले गाय वाला नहीं, पहले चाय वाला, अब गाय वाला, अब देंगे भाई। हरियाणा के लोग समर्थन देंगे आप 5 तारीख? अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल, हमारे यहाँ हरियाणा में बिहारी भाई आते हैं, यूपी के आते हैं काम करने, एकदम जोश के साथ बोलते हैं योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। हरियाणा के लोग क्या बोल रहे हैं? हम भी मोदी बाबा जिंदाबाद यार, ये क्या बात है, दिल भाइयों को क्या अपील करेंगे जो आप जैसे भाई होंगे? भाई सभी जानते हैं आने वाली 5 तारीख को, सभी जानते हैं कहाँ धब्बा लाना है भाई इसको, है ना, ये इसको ऐसे करना है बस, ऐसे ये ऐसे नहीं रहेगा, अब ऐसे हो जाएगा। हुड्डा साहब का क्या होगा 8 तारीख को? बोल भाई साहब, हुड्डा जी का क्या होगा 8 तारीख को? हुड्डा को सभी जानते हैं, जब ये ऐसे हो गया तो ऐसे ही हो जाएगा, सीधी बात है भाई। ये भाई जो हमारे बड़े बुजुर्ग है ना हमें सिखाते हैं, हमारी तो आंखें अभी खुली है भाई। और जो ये नशे की पदार्थ, देखो भैया हम ना तो कुछ नशा करते हैं ना कुछ, और दिल से समर्थक है, ना किसी का पैसा पानी भी नहीं पीते, ठीक है, दिल से समर्थन है। मोदी ने जो हमारी माँ बहन और बेटियों को एक मजबूत दर्जा दिया ना, कोई सरकार नहीं दे सकती भाई साहब। सरकार में महिलाओं के साथ क्या होता है, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है भाई, जय माता की बोल के जुड़ना बुलवाए, सब जानती है पब्लिक, आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई, आँख बंद मत करना, अभी खोलने का मौका तो खोल लो, वरना सो जाओगे जिंदगी भर के लिए। अच्छा। और हमारा हम है ना, मेरा गांव हाडवा है, ठीक है, मैं एक धानक समाज से हूँ, और ये मेरे भाई बहन सभी आए हैं, मैं एक दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने आप में गर्व महसूस कर सकता हूँ, जो कि बीजेपी सरकार ने हमारा मतलब दर्जा एक समान कर रखा सबसे। अच्छा। आज हमारे सभी छोटा बड़ा एक साथ बैठ के हुक्का चाय, हुक्का हरियाणा में फेमस है भाई, सभी पीते हैं, हमारे पिताजी भी हमारे दादाजी भी बोलते हैं साथ में बैठ के पियो भाई, अपना भाईचारा बनाओ। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा? बिल्कुल है भाई भाईचारा, बिल्कुल भाईचारा है। जब हुड्डा जी होते तब क्या होता था? एक भाईचारा।
हाँ एक भाई बाकी चारा चारा ये सभी समझते हैं भाई। अब आँख नहीं बंद करके देखेगी ये पब्लिक, अब खोल के देखेगी। और आने वाली 8 तारीख को देख लेना भाई साहब, आप भी इधर ही होंगे, हम भी इधर ही होंगे। 90 सीट का इलेक्शन है, 56 का दावेदार है। छप्पन छप्पन इंची सीना, अरे यार बिल्कुल 56 से पार करेंगे। हाँ क्या भाई आपका? मेरा साहिल है। क्या लग हो रहा माहौल आपके? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है जी। इसकी बार जो ताया जाए को लीटर खींच रखा है। और जिस दिन जीत के उस दिन बम बजाऊंगे इसी दिखवा। बिल्कुल है, बम लगा तैयारी कर ली। बिल्कुल है, 8 तारीख जी का क्या होगा बता दी भाई ने। नाम क्या आपका? मेरा नाम जय भगवान है। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं को माता रानी के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी सनातनियों को, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ऐसा है जिसमें नारी शक्ति को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और हम नारी को माता के रूप में पूजते हैं, चाहे इसमें बहन हो बेटी हो। सभी साथियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी पार्टी का साथ दो जिसमें हर तरह माता का, बहन का, बेटी का सम्मान हो, ना कि उसकी बेइज्जती हो। जैसे कि हमारी बहन कुमारी शैलजा के साथ जो अभद्र टिप्पणी की गई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और सभी सनातियों को कहता हूं कि हर माँ बेटी का सम्मान होना चाहिए। और जो आज हमारे बीच योगी जी यूपी से आ रहे हैं, वो एक सनातन का ऐसा झंडा अपने हाथ में लेके चल रहे हैं ताकि सनातन अपने परचम बहुमत से होगा और हमारे सफेदों में पहली बार कमल खिलने जा रहा है और पहली बार राष्ट्रीय ध्वज जो कि राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। हर नागरिक को मैं अपील करता हूं कि वोट करने से पहले राष्ट्रहित में जरूर सोचना चाहिए। ये बताइए, कुमारी बहन शैलजा एक महिला हैं, सबसे पहले दलित होने से पहले महिला हैं, आज पहला दिन है नवरात्रे का, किस तरीके से उनका अपमान हो रहा था कांग्रेस में, और अब शैलजा ने कहा है कि हुड्डा, बहुत साल पहले उनसे बातचीत हुई तब से हुड्डा ने कभी बात नहीं की उनसे। लेकिन जो हमारी बहन कुमारी शैलजा है उनके अंदर की पीड़ा तो आप समझ सकते हैं कि अपमान किसी का भी हो लेकिन सार्वजनिक नहीं कर सकते। अंदर की टिस है कि उसके साथ ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई है। तो मैं सभी से यही कहता हूँ कि इसका जवाब आप वोट से दें। अगर वोट से जवाब दोगे तो बहन कुमारी शैलजा को एक मजबूती मिलेगी, उसके मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है उसको मतलब एक अच्छी मतलब वो मिलेगी पॉजिटिव सोच। जितनी भी महिलाएं हैं उनसे क्या अपील करेंगे क्योंकि 5 तारीख को वोट होने वाला है? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी माताएं बहनें हैं सबका सम्मान होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए। जिस प्रकार हमारी बहन कुमारी शैलजा, उसका हर महिला को साथ देना चाहिए और मान सम्मान सभी का होना चाहिए। तो मेरी यही अपील है कि राष्ट्रहित में एक एक वोट देना ताकि हमारा राष्ट्र और ऊंचाइयों पे जाए।